कोरिया जिले के कटघोरा वनमंडल क्षेत्र में इन दिनों 15 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए हैं। ये हाथी जंगल से लगे गांव में फसलों को क्षति पहुंचाने के साथ ही मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां के ग्रामीण रत जगा कर हाथियों की चौकसी कर रहे हैं। ग्रामीण हर साल फसल कटाई के समय इस समस्या से रूबरू होते हैं। अब वे कोरिया जिले में हाथियों का प्रवेश रोकने के लिए शासन से स्थायी नीति बनाने की मांग करने लगे हैं। एमसीबी जिला में जो हाथियों का प्रवेश हो रहा है, इससे वन क्षेत्र में निवास करने वाले किसान भाइयों को खेती को परेशान कर रहे हैं, खेती चौपट कर रहे हैं, घरों को नुकसान कर रहे हैं और इससे वन विभाग भी काफ़ी परेशान है। मैं यह कहूंगा कि छत्तीसगढ़ शासन को निश्चित रूप से इसका अस्थायी जो व्यवस्था है इसे हटाकर स्थायी व्यवस्था करना चाहिए। वहीं कोरिया वन मंडल के एसडीओ अखिलेश मिश्रा का कहना है कि वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। हाथियों द्वारा किए गए फसलों के नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। और कटघोरा वन मंडल से ये कोरिया वन मंडल हमारा आया है, इसमें एक सप्ताह के लगभग अभी बैकुंठपुर रेंज के फुलवारी नाला के पास जो है हाथी रहे और उसमें फसल हानि अगल बगल के गाँव का किए हैं, जिसका आकलन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हाथी ओदारी में है, परिषद देवगढ़ के अंतर्गत वो भी पड़ता है अपना क्षेत्र, और उसमें भी जो भी फसल नुकसानी हो रहा है उसका आकलन किया जा रहा है। स्टाफ की ड्यूटी जो है रात दिन टीम अपना तैनात है, किसी प्रकार का जनहानि अभी तक नहीं हुआ। गौरतलब है कि कटघोरा क्षेत्र में हाथियों का दल रात में विचरण करते समय दर्जनों किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हालांकि वन अमला फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रकरण तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन धान काटने के सीजन में ग्रामीण भयभीत हैं और खलिहान में रखी धान की फसल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।